हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं जहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जो कि टूर्नामेंट एक वीक भी हो गया। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 9वें मैच की जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। इन दोनों की जब जब टक्कर होती है तो मैदान में तहलका मच जाता है। यह मैच आपको 28 मार्च को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की अपडेट चाहिए तो हमारी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 57% रहेगा और टेम्परेचर 33°C रहेगा। वहीं बात करें इनका विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 32% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 68% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं जहाँ पे स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का स्कोर 159 है, वहीं पे सेकंड इनिंग का स्कोर 145 है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 27 मैच खेले गए हैं, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स 14 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स 13 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं पहली टीम यानी राजस्थान रॉयल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे राजस्थान की टीम टूर्नामेंट जीत का आगाज किया। टीम ने पहले गेम में जहाँ पे लखनऊ को हराया था, टीम की कप्तानी की बात करें जो कि संजू सैमसन संभाले हुए हैं। वहीं ओपनिंग में पावर पैक यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर की सुपर हिट जोड़ी है। नंबर 3 पे जहाँ पे कप्तान संजू सैमसन ने 82 रन की इनिंग खेली थी। नंबर 4 पे बात करेंगे जहाँ पे रियान पराग को चांस मिला था, उन्होंने 43 रन बनाए थे। वहीं लो ऑर्डर में जहाँ पे सिमरन हेटमायन ध्रुव जुरेल की टीम के लिए कंसिस्टेंसी से रन भी बना रहे, जहाँ पे रोहन पॉल के पहले गेम में टीम ने जगह नहीं मिली थी। वहीं बॉलिंग पेसर में जहाँ पर ट्रेंट बोल्ट, अफ्रीका के पेस नादिर बर्ग जो 3 विकेट लिए थे। वहीं पर आवेश खान ने लाइन लेंथ से बॉल डालकर मैच में काफ़ी रोमांचक बना दिया। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पर अश्विन और युजवेंद्र चहल की जोड़ी देखने को मिली, जहाँ पे दोनों ने 1-1 विकेट लिए। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल है, जॉस बटलर है, संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रियान पर्यार, रविचरण अश्विन, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, संदीप सरपा, ट्रेंट बोल्ट। ई प्लेयर की बात करें तो जो कि संजू सैमसन है, रियान पर्याग है, ट्रेंट बोल्ट है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, तो टीम के पहले टूर्नामेंट का स्टार्ट डिसपॉइंटेड हो गया, क्योंकि टीम पहले गेम में पंजाब से हार गई थी। टॉप ऑर्डर में जहां पर डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, तावतोर स्टार्ट किया था, पृथ्वी शॉ को चांस नहीं मिला था। वहीं पर ऋषभ पंत पहले मैच में फ्लॉप हो गए थे। मिडिल ऑर्डर में जहां पर साई ओपन, रिंकी बुई थे, वहीं टिस्टन स्टेप टीम को बैलेंस करेंगे। जैक फ्रेसर को प्लेइंग 11 में मौका मिलने को कम ही चांस था। वहीं लो ऑर्डर में जहाँ पे फिनिशिंग के लिए अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल टीम को रन बनाना चाहिए होगा। वहीं पे बॉलिंग में साउथ अफ्रीका पेसर एंड्री नॉर्जी जो पहले मैच में नहीं थे, मुकेश कुमार को भी प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था, जहाँ पे खलील अहमद पेस अटैक को लीड करेंगे, उन्होंने 2 विकेट लिए थे। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट जहाँ पे इंडिया की टीम के कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल टीम के लिए प्लस पॉइंट है, कुलदीप ने 2 विकेट लिए थे। वहीं पे ईशांत शर्मा ने भी 1 विकेट लिए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के जी रिचर्डसन को इस मैच में मौका दे सकती है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श है, आई होप है, टिस्टन स्टॉप्स है, ऋषभ पंत है, रिक्की बुई है, अक्षर पटेल है, मुकेश कुमार है, कुलदीप यादव है, खलील अहमद है, सुमित कुमार है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि डेविड वार्नर, अभिषेक पोरेल और कुलदीप यादव। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। दोनों टीम स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आई है, स्क्वाड को देखें तो यहाँ पे दिल्ली थोड़ा सा पीछे है। वहीं और टीम के स्क्वाड और कंसिस्टेंसी को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच बना यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।